फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संतोष रवि आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का वीडियो ये होने वाला है कि आज मैं अपने पल्सर का बैक और फ्रंट का डिस्पैच चेंज कराऊंगा। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को गाड़ी दिखलाता हूं। जैसे कि पता है कि ये गाड़ी 1,00,000 किलोमीटर प्लस चल चुकी है, जो मेरी बाइक है पल्सर, और इसका एक 4 साल लगभग हो चुका है, 4 साल प्लस हो चुका है, 1,00,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है गाड़ी। तो इसका आज ना डिस्पैच भी चेंज करवाना ज़रूरी है, क्योंकि डिस्पैच अगर चेंज नहीं करवाते हैं तो डिस्पैच के साथ साथ जो ये डिस्प्ले होता है और ये घिस जाता है, और ये कहीं से ज़्यादा 5 गुना कीमत का है। तो मतलब 200-300 करके चलते, मतलब 2,000 का नुकसान तो नहीं ना कर सकते हैं। देखिए, जो फ्रंट का डिस्पैच है बेसिकली ब्रेक मारने पे आवाज़ करता है, तो इससे पता चलता है कि फ्रंट का डिस्पैच समाप्त हो चुका है। और सेम सिचुएशन बैक का भी है। देखिए, इसका भी वही स्थिति है, हल्का हल्का डिस्प्ले में देखिए जो साइन दिख रहा है आपको, मतलब प्लेट घिस रहा है। तो चलिए चलते हैं शॉप पे, और इस वीडियो में आप लोग को ये भी पता चलेगा कि डिस्पैच का कितना कीमत है। तो वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये रहा फ्रंट का डिस्पैच, और इसका जो नंबर लिखा हुआ है DJ15-1071, यही इसका डिस्पैच है। साथ में हमने सोचा कि उन्हें चैन लॉक भी चेंज करा लिया जाए, तो चैन लॉक भी है, साथ में गाड़ी का चैन लॉक भी चेंज करवाना, क्योंकि चैन से कट कट का आवाज़ आ रहा है। तो ये रहा इसका चैन लॉक। फिलहाल तो डिस्पैच खोल, मतलब जो होता है पीछे का डिस्क, वो खुल रहा है। खुलने के बाद देखते हैं कि कितना डिस्पैच घिसा हुआ है, तो कुछ समय तो ज़रूर लगेगा खोलने में। बेसिकली खोलने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है, तो खुलने के बाद मैं दिखलाऊंगा कितना डिस्पैच घिसा हुआ है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिस्पैच घिसा हुआ है, लगभग समाप्त हो चुका है, मात्र 5-6% बचा हुआ है। तो उससे बेटर है कि आप डिस्पैच को चेंज कर लीजिए। ये देखिए, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा उसमें कम है, तो मतलब पूरे तरीके से डिस्पैच ख़त्म हो चुका है, मतलब 10-5% बचा हुआ था डिस्पैच। देखिए, ये रहा नया वाला डिस्पैच। तो नया वाला और पुराना वाला मैं आपको कंपेरिजन करके दिखलाता हूँ। देख लीजिए कितना बचा हुआ है। देखिए, ये रहा पुराना वाला और ये रहा नया वाला। देखिए, कुछ भी नहीं है इसके सामने, मतलब 5-10% बचा हुआ था। तो उससे बेटर है कि चेंज ही कर देने में फ़ायदा था। एक और दिखलाते हैं, एक साइड का और। ये देखिए, ये तो कुछ है ही नहीं, बस इस जो ये साइड वाला पैड है इसी के कारण से आवाज़ करता था। एक चीज़ जान जाओ, जब भी आप डिस्पैच खुलवाते हो या किसी चीज़ को खुलवाते हो, तो उसको अच्छे तरीका साफ करवा लो, जैसे ग्रीसिंग व्रीसिंग करवा लो। और तो मैंने इसे इसमें ग्रीसिंग भी करवा दिया, और जो रहता है पत्ता उससे भी, मतलब इसको अच्छे तरीके से क्लीन करवा लिया, डस्ट वस्ट साफ करवा दिया। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इस तरीके से साफ़ कराना, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा डर रहता है। तो हमने इसे चेंज करवा दिया है, और इसके बाद फ्रंट का डिस्पैच दिखलाता हूँ कि वो उसमें वो कितना बचा हुआ है या उसका क्या स्थिति है। अब चैन लॉक का बारी है। देखिए, चैन लॉक भी चेंज करवा रहे हैं, और जो ये 150 पल्सर भले है, लेकिन इसमें हमने 220 का चैन स्पोकेट डलवा दिया, क्योंकि उसका लाइफ इससे कहीं बेटर है 150 डबल डिस्क वाला से। इसी कारण से 220 वाला डलवाया, और उसका कॉस्ट भी ज़रा कम पड़ा। उसका पड़ रहा था 2200 रुपया, इसका पड़ा 1700 रुपया, मतलब 500 रुपया का फ़र्क है। और ऐसे जो चैन लॉक होता है वो तो खैर ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता है, चैन लॉक मात्र 30 रुपये का आता है इसका चैन लॉक। जब भी गाड़ी का चैन कट कट आवाज़ करे, तो समझ जाइए कि चैन लॉक आपका ख़राब हो चुका है। अब पारी है फ्रंट वाला डिस्पैच का, देखते हैं कितना फ्रंट में बचा हुआ डिस्पैच। प्लेटवा के डेढ़ है कि अथिया खुले तो ना, ठीक तो ग्रेस हो गई जी, ठीक है। इसमें है डिस्पैच कहाँ कहाँ कैसे बचा, ये ख़त्म, मतलब इसमें इसका ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन नहीं छोड़ दी, इसमें डस्ट वगैरह चल जाने के कारण मतलब डिस्पैच
आवाज कर रहा था, देखिए इसमें बचा हुआ है, आवाज कैसे करता है, 50% से ज्यादा बचा हुआ है, 60% के अप्रोक्स है डिस्पैक, तो इसको साफ कर देते हैं और इसी को फिर से फिट कर देंगे। यही सब ज्यादा काम, इसमें भी देखिए पत्ता वगैरह मार करके ग्रीसिंग व्रीसिंग करके इसी को फिट कर देंगे। तो इसमें बचा हुआ है और बरसात के बाद मैंने इसे मतलब ग्रीसिंग तक नहीं करवाया था, इसी कारण से ये आवाज कर रहा था। अब इसी को फिट कर देते हैं, मतलब टाइम टू टाइम मतलब डिस्पैड में ग्रीसिंग करवाते रहना चाहिए। और ऐसे बहुत जरूरी है बनाना। आया था गाड़ी का डिस्पैड चेंज करवाने और मेरा टायर पंचर हो गया, देखिए काटी कितना बड़ा काटी गड़ा हुआ है। तो आप लोगों को बताता हूँ कि डिस्पैड का कीमत पड़ा 170 रुपया और चैन लॉक का कीमत पड़ा मात्र 30 रुपया, तो 200 रुपया, और मिस्त्री को मात्र 50 रुपया, तो 250 रुपये में मतलब ठीक हो गया। अब ब्रेकिंग वगैरह में दिक्कत नहीं आता। देखो भाई काम कराने आए थे कुछ और यहाँ गाड़ी हो चुकी है पंचर। अब पंचर होने के बावजूद भी गाड़ी 50 किलोमीटर में चलाया था क्योंकि यह गाड़ी घर पे ही पंचर हुआ था। अब पंचर बनाने का मात्र 30 रुपया। ट्यूबलेस है तो ट्यूबलेस का यही तो फ़ायदा है कि पंचर हो जाने के बाद भी आप गाड़ी चलाते रहो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता इसमें। ट्यूबलेस का फ़ायदा यही है, देखिए बस मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में आपका गाड़ी का पंचर भी बन जाएगा और रेडी टू गो हो जाएगी आप। तो पंचर में भी गाड़ी लगभग 50 किलोमीटर प्लस घींच लेती है ट्यूबलेस में।